हल्द्वानी शहर में अनैतिक देह व्यापार का धंधा पुलिस की कार्रवाई के बावजूद लगातार फल फूल रहा है। एक बार फिर पुलिस ने रामपुर रोड स्थित होटल में शुक्रवार देर रात सीओ स्पेशल ऑपरेशन नितिन लोहानी, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल के इंचार्ज दीपा जोशी और उनकी टीम ने अनैतिक कार्य में लिप्त एक महिला, उसके ग्राहक और एक दलाल समेत होटल के दो स्टाफ को पकड़ा है। वहीं इस ऑपरेशन के बीच होटल का मालिक मौके से फरार हो गया, जिसकी धरपकड़ की जा रही है। स्पेशल ऑपरेशन सीओ नितिन लोहानी ने बताया कि बीती देर रात हल्द्वानी के कई होटलों में चेकिंग की जा रही थी। ऐसे में रामपुर रोड के एक होटल में जब उनकी टीम ने चेकिंग की तो उस दौरान वहां एक कमरे में अनैतिक कार्य में लिप्त महिला के साथ उसके ग्राहक, दलाल और होटल के दो स्टाफ को टीम ने पकड़ा है, जिनके पास से टीम को अनैतिक चीजें मिली हैं। वहीं पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई के बाद पुलिस सभी को हल्द्वानी कोतवाली ले गई। इसके अलावा होटल के लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, सूचना आई थी, शिकायतें थी कि एक होटल है माँ गायत्री के नाम से, तो वहाँ पे इस तरीके की कुछ कार्रवाई की सूचना आई थी, तो उसी के संबंध में जो भी हमें आगे की कार्रवाई हुई है वो हुई है। इसमें एक महिला और दो पुरुष जो हैं वो मिले थे मौके से और एविडेंसेस भी मिले उनके खिलाफ। किस तरह का कार्य चल रहा था? जो भी अनैतिक देह व्यापार का कार्य है वो सारा चल रहा था, तो संबंधित धाराएँ लगाई गई हैं इसमें। देखिए, इसमें उस जो कमरा है उसे फिलहाल सीज किया गया है और एक शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा मैजिस्ट्रेट के माध्यम से, जिसमें उस होटल के मालिक को प्रूव करना होगा कि हाँ इस तरीके की कोई कार्रवाई चल रही, वहाँ पर कोई गतिविधि चल रही थी या नहीं चल रही थी। इसके अलावा इसमें दो जो व्यक्ति जो अक्यूज्ड हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है, महिला की गिरफ्तारी हुई है, और जो होटल था जिसने वो डाटा मेंटेन नहीं किया था, दो लोग होटल से हैं उनको भी हमने कस्टडी में रखा है।